हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर वन की तैयारी करवाते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से। इससे पहले मैंने शिक्षण अभिक्षमता के 2-3 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें। तो आज देखते हैं शिक्षण अभिक्षमता में क्या क्या है। सबसे पहले देखते हैं शिक्षण के प्रकार। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो शिक्षण के 3 प्रकार हैं। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा और थर्ड है निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन और निरौपचारिक शिक्षा नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इन तीनों में स्टूडेंट्स बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या हैं और अपने कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं औपचारिक शिक्षा यानी फॉर्मल एजुकेशन। वह शिक्षा जिसमें समय, स्थान, अध्यापन विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित रहता है, उस शिक्षा को हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। वह शिक्षा जिसमें स्थान, अध्यापन विधि पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित रहता है, उसे औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, तो यह समय हमारा, स्थान और हमारा वहाँ पर पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, जिसे फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत पूर्व निश्चित योजना के अनुसार छात्र को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए शिक्षा के निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। औपचारिक शिक्षा जो है उसमें पहले ही एक निश्चित योजना बनाई जाती है और इसे के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को चलना होता है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करता है। उसके बाद औपचारिक शिक्षा वर्तमान, अतीत तथा भावी जीवन की तैयारी है। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं और पढ़कर हम एक अच्छी जॉब प्राप्त करते हैं, तो ये हमारा वर्तमान, अतीत और भावी जीवन की तैयारी है। औपचारिक शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा शिक्षण संस्थानों में दी जाती है और इसके लिए छात्र को कुछ शुल्क भी देना पड़ता है, यानी फीस भी हमें पे करनी पड़ती है। ये तो सबको पता है, स्कूल, कॉलेज या कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर हमें एक फीस पे करनी पड़ती है। जिस फीस पे करने के बाद हम वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो ये हमारी औपचारिक शिक्षा। उसके बाद सेकंड है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन। अनौपचारिक शिक्षा परिवार, समाज द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। अनौपचारिक शिक्षा हम जन्म से ही सीखते हैं, अपने परिवार से, समाज से, आसपास के वातावरण से। अनौपचारिक शिक्षा इस आधार पर आधारित है कि एक व्यक्ति या छात्र जो सीखना चाहे सीखे, जहां सीखना चाहे सीखे और जब तक सीखना चाहे सीखे। तो यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है, व्यक्ति जब चाहे सीख सकता है, जहाँ चाहे सीख सकता है। उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा स्वयं करके सीखने पर जोर देती है और इसका ज्ञान स्थायी होता है। जब मनुष्य कोई भी चीज़ अपने आप सीखेगा तो उसे अपना एक्सपीरियंस होगा और उसका वो एक्सपीरियंस उसे लाइफ टाइम काम आता है। उसके बाद है औपचारिक शिक्षा। शिक्षा संस्थान विद्यालय के बंधन से मुक्त होती है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए हमें किसी भी शिक्षा
संस्थान या विद्यालय महाविद्यालय में जाने की जरूरत नहीं होती। औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत व जीवन की हर अवस्था हो चाहे बाल युवा प्रौढ़ तक चलती रहती है। इस शिक्षा को हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, इसमें कोई एज की बाउंडेशन नहीं है। चाहे वो बालक हो चाहे युवा चाहे प्रौढ़ अवस्था तक हम इस शिक्षा को सीखते रहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा धन समय व श्रम भी बचाती है। इसमें हमारा कुछ भी पैसा या समय या हमारी मेहनत इन सब को अनौपचारिक शिक्षा बचाती है। अगला तीसरा पॉइंट है निरौपचारिक शिक्षा यानी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इस शिक्षा में औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षण की मिलीजुली विशेषता पाई जाती है। निरौपचारिक शिक्षा में जो हमारी औपचारिक शिक्षा है वो और अनौपचारिक शिक्षा है वो उसकी मिलीजुली विशेषताएं पाई जाती हैं। इस शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां प्राय निश्चित होती हैं, परंतु औपचारिक शिक्षा की भांति कठोर नहीं होते। इस शिक्षा में पाठ्यक्रम और हमारा जो शिक्षण विधियां हैं वे निश्चित तो होती हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा की भांति ये कठोर नहीं होती। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं होती कि इस टाइम पे इस वहाँ पर हमें जाना ही पड़ेगा, तो यह कठोर नहीं होती। यह शिक्षा लचीली होती है। इस शिक्षा का उद्देश्य प्राय सामान्य शिक्षा का प्रसार और सतत शिक्षा की व्यवस्था करना है। जैसे कोई भी स्टूडेंट्स अगर किसी कारणवश से शिक्षा एजुकेशन छोड़ देता है तो इसका मेन उद्देश्य है जो छात्र अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं उसे कंटिन्यू करें और अपनी जो वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करें। सतत शिक्षा यानी कंटिन्यूस एजुकेशन इसमें होती है। इस पाठ्यक्रम को सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही निश्चित किया जाता है। उसके बाद है यह शिक्षा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता प्रदान करने का कार्य करती है। निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी बनाए रखती है। उसके बाद है निरौपचारिक शिक्षा के अनेक रूप हैं जैसे खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन अथवा सतत शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा हमें डिस्टेंस लर्निंग इसका एक रूप है। तो आज हमने यह जाना कि अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें डाउट रहता है, तो आज मैंने बहुत ही सिंपल वे से आपको अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा और औपचारिक शिक्षा के बारे में बताया। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं आपके डाउट को दूर करने का प्रयास करूंगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए और इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही से शेयर भी करें। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।